क्या यार, आप लोग भी पागल हो चुके हो, एकदम पागलों की जैसे काम करते हो। मेकअप बॉक्स खरीदने के लिए मार्केट जाते हो, बहुत सारे पैसे खराब करते हो, लाखों रुपए बर्बाद करते हो मेकअप बॉक्स खरीदने के लिए। घर में पड़े हुए कुछ सामानों से मेकअप बॉक्स नहीं बना सकते, बस पैसा फेंको तमाशा देखो, यही हाल है सभी लोगों का। तो इस टाइप का शॉपिंग बैग तो सभी के घरों में होता है। शॉपिंग बैग का यूज करके आप कुछ नया क्यों नहीं तैयार करते? कुछ नया करिए और अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। बस ऐसे ही चले गए मार्केट में, उठा के लेके चले आए, कोई थोड़ा सा मेहनत ना लगे। तो चलिए हम आज आपको इस शॉपिंग बैग का यूज करने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बिना कट किए, बिना सुई धागे के, बिना सिलाई मशीन के। तो चलिए आज हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना करके दिखाते हैं। ये ऑर्गेनाइजर कैसे बनेगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो हमें चाहिए होगा इस टाइप का शॉपिंग बैग, और रील चाहिए होगी और कैंची। इन्हीं तीनों की मदद से हम इसका बनाएंगे मेकअप बॉक्स। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो शॉपिंग बैग है, इसे हम ऐसे पूरा अच्छे से फैला लेंगे, और उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, यानी कि तीन पार्ट में हमें बांट लेना है बराबर बराबर। ये देखिए, कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसे ऐसे दबा देंगे तो एक बहुत ही हल्का सा निशान पड़ जाएगा। ये देखिए, एक निशान यहाँ पर, एक निशान यहाँ पर। और उसके बाद फिर से आपको वही काम दोहराना है। यहाँ से एक करिए इस तरीके से, और एक यहाँ पर करिए, और उसके बाद एक यहाँ पर हो जाएगा। इसे फिर ऐसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर दीजिए जिससे निशान अच्छे से बन जाए। अब इसे खोल लीजिए, और उसके बाद लीजिए सुई और धागा। उसके बाद लीजिए सुई और धागा, सुई में धागा डालिए, धागा आप डबल डालिए। अगर आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी बना सकते हैं, नहीं तो सुई धागे की मदद से। सभी के पास सिलाई मशीन नहीं होता है, तो इसलिए हम सुई धागा से बना करके दिखा रहे हैं। ये हमने डबल धागा डाल लिया है, और उसके बाद नीचे किनारे पर हमें गांठ लगा देनी है। जो हम इस तरीके से फोल्ड किए थे ना, उसका निशान तो गायब हो जा रहा है, तो इसलिए आप पेन से निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और एक निशान यहाँ पर। इससे आपको आसानी होगी। और उसके बाद हमें करना क्या है, सुई धागे की मदद से यहाँ से इसे सिल लेना है सीधा सीधा। तो हम ये वाली लाइन पूरा सिल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ तक सिलाई लगा लिया है। अब यहीं पर हमें गांठ लगा देनी है, इसके आगे सिलाई नहीं लगाना है। और यहाँ पर हम गांठ लगा देते हैं, उसके बाद जो हम दूसरा निशान लगाए थे कि एक दूसरे किनारे पर, उसको भी इसी तरीके से सीधा सीधा सिल लेंगे। उसके बाद क्या बनने वाला है, आप लोग भी सोच रहे हैं अरे ये शॉपिंग बैग से क्या बनेगा, तो हम आपको बताएंगे। दूसरा वाला भी किनारा इसी तरीके से हम सीधा सीधा सिलाई कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर आगे बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर हम गांठ लगा करके उसके बाद धागे को निकाल लेंगे। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, हम आपको बताते हैं। ये जो हम इस तरीके से इसे फोल्ड किए थे, ये देखिए कुछ इस टाइप से, इस पर भी हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हमें कहाँ से लगानी है, एक एक निशान यहाँ पर लगा लीजिए, मतलब एकदम ऊपर यहाँ से लेकर ऐसे सीधा सीधा, और दूसरा वाला यहाँ पर होगा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और तीसरा वाला यहाँ पर होगा। इस तरीके से हम जैसे ये वाला लंबा लंबा सिलाई लगाए हैं, इसी तरीके से यहाँ तीनों हम सिलाई लगा लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं आगे हमें कैसे क्या करना होगा। दोस्तों ये देखिए, हमने तीनों तरफ यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और ये दोनों भी सिलाई लगा लिया है।
सारी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, एक कैंची लेना है और उसके बाद धीरे से ऐसे ये डबल है झोला है यानी कि थैला है ना, तो इसे धीरे से कुछ इस तरीके से खोलना है, एक परत को पकड़ना है और उसके बाद कैंची की मदद से ऐसे कट कर देना है। और फिर उसके बाद ये कट यहाँ जहाँ तक आप सिलाई किए हैं वहाँ तक बढ़ा दीजिए और ऐसे ही इधर भी कर दीजिए। ये देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर ये एक हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कट लगा लेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये कैसे इस्तेमाल करना है, ये क्या बन करके तैयार होगा। तो पहले हम कट लगा लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया। इसे खरीदने के लिए हम मार्केट में जाते हैं और इसी के पीछे बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं। ये क्या जो है 10 20 रुपए में तो आएगा नहीं, 150 200 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप एक शॉपिंग बैग से ये ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसे हमें कैसे यूज करना है और कहाँ पर यूज करना है, इसमें हम क्या रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों आपको कुछ इसी तरीके से आपके दीवार में ये हैंगर होगा या फिर कोई भी एक कील घड़ी होगी वहां पर आप इसे इस तरीके से लगा दीजिए। इसमें आपको रखना क्या है, यहाँ पर आप ब्रश रख सकते हैं या फिर रिमोट रख सकते हैं और उसके बाद पाउडर भी रख सकते हैं और क्रीम वगैरह सारी चीजें आप मेकअप की भी रख सकते हैं या छोटे मोटे और भी सामान रख सकते हैं, पेन वगैरह रख सकते हैं और उसके बाद इसमें आप पेचकस भी रख सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारा सामान इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों यही हम दुकान पे लेने गए थे तो 150 150 रुपए दुकानदार मांग रहा था, लेकिन ये हम देखिए फ्री में घर पर बना करके तैयार कर दिए हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप शॉपिंग बैग से इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर दोनों किनारे पर डबल टेप लगा दीजिए तो ये इधर उधर नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा। धन्यवाद।